राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने परोपकार फाउंडेशन की रसोई सीढ़ी 4 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रसोई में तैयार किए गए भोजन का स्वाद चखा। इसके बाद रमन सिंह ने प्रशंसा करते हुए कहा कि रसोई की स्वच्छता और खाने की गुणवत्ता अच्छी है, खाना स्वादिष्ट बना है। इस अवसर पर डॉक्टर रमन सिंह ने परोपकार फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे जन सेवा के कार्य की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में परोपकार फाउंडेशन अपने नाम के अनुरूप सराहनीय कार्य कर रहा है। मानवता की सेवा के लिए उनका समर्पण और लगन बेहद ही प्रशंसनीय है। महीने से ज्यादा समय हो गए और जिस प्रकार सामग्री का वितरण पका हुआ खिचड़ी और दिया जा रहा है, करीब करीब रोज 2000 लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पका हुआ भोजन भी पहुंचाने का काम है। पैक्ड फूड रोज 2 से 3 हजार पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं और ये अपने आप में अद्भुत काम है। हमने अब तक लगभग 1,10,000 पके हुए भोजन के पैकेट लॉकडाउन से अब तक 15,000 पैकेट हमने शासन को राशन के दे चुके हैं, जिसमें 5 किलो चावल, आधा किलो दाल, नमक और हल्दी है। 1,000 के लगभग हमने सैनिटाइजर बोतल दे चुके हैं लोगों को। फिर बाद में हमने समझ में आया कि सेफ्टी किट जो कवच होता है डॉक्टरों का, वो कवच हमने 1500 से ऊपर बांट चुके हैं, जिससे डॉक्टर पूरा बॉडी प्रोटेक्टर रहे। और उसके बाद में अपने लोगों ने चश्मा गॉगल जो आंखों को ठीक रहे करके 1500 से लगभग हम लोग ने एक चश्मा दे दिया है। ओंकारेश्वर में नर्मदा परिक्रमा के लिए आए 15 लोगों को जिला प्रशासन